बेमेतरा जिले के तहसील कार्यालय के सामने छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 5 दिवसीय धरने की शुरुआत कर दी गई है। नियमितीकरण की आस में बैठे कर्मचारी 4 साल से नियमितीकरण का वादा भूली सरकार संविदा कर्मी आंदोलन की राह में प्रदर्शनकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार बनने के 4 साल बाद भी 2018 के चुनावी जन घोषणा पत्र किए गए नियमितीकरण के वादे और हमारी मांगें पूरी नहीं हैं हुई और जबकि मात्र 1 वर्ष का समय सरकार के पास शेष बचा है। संविदा कर्मचारियों के मानदेय में भी 4 साल से वृद्धि नहीं हुई है। इस कारण से प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। मांग पूरी नहीं की जाने में उग्र आंदोलन की संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। हम लोग जो है सर्वनिमित्त कर्मचारी अधिकारी हैं, जिसमें हम लोग निरंतर 10 से 12 साल से शासन से ही मांग रख रहे हैं कि हमें निमित किया जाए, निमित किया जाए, लेकिन शासन हमारी जो मांग को वो अनसुना कर रहे हैं। अब आज जो धरना लग रही है, आज हम लोग 16 तारीख से 20 तारीख तक इसी स्तर पर हम लोग धरना देंगे। हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण, और ये हम काफ़ी वर्षों से मांग कर रहे हैं। इसके पहले जो कांग्रेस सरकार है, जो अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था, हम वही मांग कर रहे हैं कि आपने जो घोषणा पत्र में शामिल किया था उसको पूर्ण करें। और अभी हम 16 से 19 तक यहाँ जिले में जिले स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे अपनी मांग को लेकर। उसके पश्चात हमारा 1 दिवसीय धरना रायपुर मुख्यालय में है। उसके पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी, उनसे हमारा आग्रह है कि वो हमें नियमितीकरण का तोहफा दें और 26 जनवरी को ये घोषणा करें कि हम सभी को नियमितीकरण दिया जा रहा है।